सभा में डेगाना विधानसभा से ये सीट आती है जहां पर दूल्हे पहुंचे और अपने मतों का प्रयोग किया। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जहां पर दोनों दूल्हे मतदान केंद्र पर पहुंचे और उसके बाद वहां पर वोट कास्ट किए। लोकतंत्र की सुखद तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसे देखिए, प्रेरित होइए। और अब तक अगर आपने वोट नहीं डाला है, अपने घर पर आप सो रहे हैं तो उठ जाइए और खड़े होकर के सबसे पहले पहुंच जाइए बूथ पर, वहां पर मतदान कीजिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति दीजिए, अपना योगदान दीजिए, एक जागरूक नागरिक होने का परिचय दीजिए। इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं डेगाना के इलाके से और राजसमंद में। दरअसल लगातार मतदान चल रहा है राजसमंद लोकसभा सीट पर, जहां पर डेगाना भी राजसमंद लोकसभा सीट पर आता है। यहां पर दो दूल्हे पहुंचे हैं मतदान करने के लिए और ये सुखद तस्वीरें आई हैं। और ये तस्वीरें लोकतंत्र के महापर्व में बड़ी ही खास हो जाती हैं जब दूल्हा दुल्हन शादी छोड़कर या तुरंत शादी के बाद पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं और वो बखूबी समझते हैं कि उनका वोट कितना इंपॉर्टेंस रखता है उनके लोकप्रिय नेता को चुनने के लिए, उनका वोट कितना मायने रखता है, ये वो तस्वीरें बयां करती हैं। बिल्कुल प्रियंका, यही एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। और दुल्हों के बाद अब दुल्हन के बारी है, क्योंकि डूंगरपुर में शादी से पहले दुल्हन ने मतदान किया है। वो तस्वीरें भी आ रही हैं, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ ही देर में प्रकट हो जाएंगी। तब तक हम आपको बताएं कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेडिया के बूथ संख्या 134 पर दुल्हनों ने भी पहुंच करके मतदान किया है। बिल्कुल, 28 अप्रैल को लक्ष्मी डामोर की शादी होनी है और शादी से पहले उसने वोट डालना जरूरी समझा, मतदाताओं से वोटिंग की भी अपील की। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, परसों शादी है आज, लेकिन चूंकि वोटिंग है और वोटिंग कितनी जरूरी है ये तस्वीरें दिखा रही हैं, जहां पर दुल्हन अपने शादी से ठीक एक दिन पहले पोलिंग बूथ पर पहुंचती है और अपने मतों का प्रयोग करती है। और न सिर्फ वो वोट कास्ट करती है बल्कि अन्य लोगों से भी ये अपील करती है कि आप भी आइए और वोट कास्ट करिए। तो संदेश साफ है कि छोड़ दो सगड़ा काम और सांव पेली बूथ पर जार करो वोट और अपनी सरकार बनाओ, अपनी सरकार चुनो, अच्छा जनप्रतिनिधि चुनो। यही संदेश यहां से भी निकल करके सामने आ रहा है। तमाम जगहों से वोटर्स के उत्साह की जो तस्वीरें आ रही हैं, उसमें ये जो तस्वीर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए भीलवाड़ा से खबर है, जहां पर एक वड़ा पाव की दुकान चलाने वाले दुकानदार ने मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए अनूठा तरीका अपनाया। और अनूठा तरीका यह है कि वोट करने के बाद जो मतदाता स्याही लगी उंगली यहां पर दिखाएगा, ये बताएगा कि उंगली पर सत्ता, कैसे उसने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, वो मतदाता उसे 50% का डिस्काउंट इस दुकान से मिलेगा। वड़ा पाव की दुकान है तो जल्दी से वोट करके यहाँ पर पहुंचिए, वड़ा पाव खाइए, आनंद लीजिए। और दोहरा जो लाभ है वो ये है कि एक तरफ आप जरूरी नागरिक होने का परिचय भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ वड़ा पाव भी खा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के मत डल रहे हैं और भीलवाड़ा में एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्रहित में करें मतदान, वोट डालकर उंगली दिखाओ और 20 रुपए का वड़ा पाव 10 रुपए में पाओ। वड़ा पाव वाले ने ये मुहिम छेड़ी है, हम बात करते हैं इनसे, क्या कारण रहे इस मुहिम के, क्या कारण रहे इस मुहिम के, कैसे मुहिम छेड़ी आपने? बेटा मेरा ये सोचना है कि भाई अपन ज्यादा से ज्यादा मतदान पड़े और जो जागरूक नहीं है उनको जागरूक करने के लिए अपन ने ये छेड़ी है मुहिम कि भाई ज्यादा से ज्यादा मतदान आए और मतदान करके आए, यही अपना सर्वत्र एक मोटिवेट है कि मतदान को मोटिवेट करने के लिए अपन ने किया। कितनी भीड़ पड़ रही है सुबह से? सुबह से काफी अच्छी रश आ रहा है, सुबह से काफी अच्छा रश आ रहा है और अंगुली दिखाते जा रहे हैं, जैसे ये दीदी है, ये हमारे भैया है, ये सब अंगुली दिखा रहे हैं और वड़ा पाव के लिए आए हैं काफी। तो ये देखिए चारों तरफ कहीं ना कहीं भीड़ दिख रही है, लोग बाग अपनी उंगली दिखा रहे हैं, जो अपना वोट डाल के आए हैं उसके बाद यहाँ पर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अनोखा तरीका है मतदाता प्रतिशत बढ़ाने का, मतदान का प्रतिशत बढ़ाने का। लोग उंगली दिखा रहे हैं और उसके बाद वड़ा पाव यहाँ पर खा के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोचक तरीके से काम किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग बात करते हैं, आपने भी वोट डाल के आए होंगे, शाही लगी हुई उंगली दिखाई होगी। जी बहुत ही खुशी का विषय है कि आज जो सोच बन रही है वो राष्ट्रहित की सोच बन रही है और राष्ट्रहित की सोच में यदि अगर कोई काम हो रहा है और उसमें किसी व्यक्ति का अगर योगदान दिया जा रहा है तो ये बहुत बड़ा विषय है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यदि 100% मतदान की ओर यदि कोई बढ़ रहा है और उसमें अगर सहयोग मिल रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और किसी व्यक्ति ने ये सोचा है कि हमारी
जो अन्य जो डेली रूटीन में जो हमारा पेट काट के अगर कोई रोज जो रोजाना पैसा कमा रहा है और वो अगर 50% अपना योगदान दे रहा है तो हमारे लिए बहुत ही अकल्पनीय और बहुत ही अच्छा विषय है। मत देखे आगे आपने भी फिर बड़ा पाव लिया होगा। हाँ बड़ा पाव लिया है। मतदान में 100% जागरूकता दिखाने के लिए, मतदान में जागरूकता पैदा करने के लिए, जनता को आकर्षित करने के लिए इनकी बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है। इनका भाई साहब का बहुत अच्छा सहयोग है। समाज के उत्थान में ये कार्य कर रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहे। टुडे ने संकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। और अब सियासी मौसम के साथ साथ मौसम की खबर भी आ रही है, जहां पर मौसम में परिवर्तन हुआ, मिजाज बदला है। कई लोग भीगते भीगते मतदान केंद्र पहुंचे हैं और खबर आ रही है कि कई जगहों पर बारिश हुई है। तो वोटर्स में लेकिन जोश आई है, मौसम में बदलाव हुआ है, बारिश हो रही है, लेकिन वोटर्स इतने उत्साहित है कि भीगते भीगते भी मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। कोटा प्रताप